वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे, बल्कि उसी को कंटिन्यू करेंगे जो उस दिन हम लोगों ने फ्राइडे को टॉपिक शुरू किया हुआ था। हम लोग कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम लोगों ने करी है ना, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोगों ने देखे, जिसमें स्मॉल लेंथ एंड वेरी लार्ज लेंथ को मेजर करने का हम लोगों ने तरीका देखा। ठीक है, हम लोगों ने पैरेलेक्स मेथड देखा, पैरेलेक्स मेथड भी कई अलग अलग टाइप के देखे। ओके, आज हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल मास, है ना, बहुत छोटे मासेस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं ये भी देखेंगे। बेटा एक नया बच्चा है, ये गैलेक्सी 5 के नाम से जो आ रहा है, गैलेक्सी 5 के नाम से आ रहा है, ये बच्चा कौन है? अपने अपने नाम से जो है आईडी सेव करो, गैलेक्सी 5 के नाम से आया हुआ है, ये कौन बच्चा है? अपना अपने नाम से सेव करो, ये अपना नाम बता दो, ऑडियो ऑन करके अपना नाम बता दो। गैलेक्सी 5 नाम से आया हुआ है, ये बच्चा कौन है? अपना माइक ऑन करके नाम बता सकता है? यस, गैलेक्सी 5 नाम से एक नाम आया हुआ है, हु इज दिस? गैलेक्सी 5 नाम से एक बच्चा आया हुआ है, कौन है ये, एक बार ऑडियो ऑन करके बता सकता है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, यानी बहुत छोटे मासेस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मास की जो डेफिनेशन होती है ना, मास की डेफिनेशन क्या है। मास को हम लोग पढ़ते आए हैं, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, है ना, यही जानते हैं हम लोग। व्हाट इज मास? मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ये हम जानते हैं, कितना मटेरियल उस बॉडी के अंदर है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि मास और वेट, आप लोगों ने छोटी क्लास में आपको बताया गया होगा, मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हम लोग जनरली यूजुअल जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उस नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, उस नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं मेरा वेट इतना किलो है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मेरा वेट 60 kgs है। ओके, तो याद रखो फिजिक्स में मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, मेरे घर सब लोग आ गए हैं, आई एम गोइंग टू लॉक इट नाउ। अच्छा, तो दो टाइप के मास हम लोग बात करेंगे, दो टाइप के हम लोग मास की बात करेंगे। वन इज इनर्शियल मास एंड अनदर इज ग्रेविटेशनल मास। टाइप्स ऑफ मास, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, मास की दो टाइप के मास हम लोग बात करेंगे। वैसे जनरली दोनों मास एक जैसे से ही हैं, दोनों मास नॉर्मली अर्थ के ऊपर जब हम बात करते हैं दोनों मास एक जैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग दो टाइप के मास की बात करते हैं। वन इज इनर्शियल मास एंड अनदर इज ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास मतलब बॉडी कितना इनर्शिया ऑफर करती है, हाउ मच इनर्शिया, इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलाव को अपोज करना। ठीक है, हम जानते हैं कोई चीज भारी होती है ना, हैवी होती है, हैवी, वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती है, रेजिस्टेंस वो ज्यादा रुकावट डालती है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए जो हम बात करते हैं ना, उसमें भी मास की बात करते हैं, वो जो मास की हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड इनर्शियल मास। और दूसरा है ग्रेविटेशनल मास।
ग्रेविटेशनल मास मतलब कि अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि क्या होगा। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास हैं तो सेम चीज, लेकिन दोनों को मेजर करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास, मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। Measurement of inertial mass, measurement of inertial mass, इसको हम लोग एक experiment की help से समझेंगे, ठीक है, इसको हम लोग एक experiment की help से समझेंगे कि inertial mass हम लोग कैसे measure कर सकते हैं। तो इनर्शियल मास को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, देखो एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास एक ऐसा एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉक्स है ऐसे, दिस इज सम बॉक्स, ट्रे, ट्रे की तरह, दिस इज सम लाइक अ ट्रे, इट इज लाइक अ ट्रे, और इसके अंदर हमने वो मास रखा है जिसको हमें मेजर करना है, देयर इज सम मास, दिस इज सम मास, ठीक है, इस मास का हमें पता करना है कि हाउ मच इज दिस मास, ओके। यहां पर हम लोग दो स्ट्रिप्स ज्वाइन करेंगे, दीज आर टू स्ट्रिप्स, इस तरफ भी और बैक साइड में भी, वी हैव टू स्ट्रिप्स, दीज आर टू स्ट्रिप्स लाइक दिस, ठीक है, और इसको किसी टेबल के ऊपर फिक्स कर देंगे, इट इज फिक्स्ड ऑन सम टेबल लाइक दिस, बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो पिक्चर भेजूंगा उसमें से आप देख के समझ जाओगे। तो ऐसे हम लोग फिक्स कर लेंगे इसको, ठीक है, यहां पर हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, स्क्रू लगा दिया, स्क्रूज लगाए हैं, देर आर स्क्रूज, ठीक है, क्लियर, नीड नॉट ड्रॉ, यू नीड नॉट ड्रॉ, बनाना मत, इसको थोड़ा सा हम लोग साइडवेज डिस्प्लेस कर देंगे, ऐसे ऐसे साइडवेज डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है कि नहीं, देखो ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहां पर मैंने फिक्स कर दिए, ये ट्रे है, ट्रे में कुछ हमने मास रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे ना, देन इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, इट इज ऑसिलेट लाइक दिस, ऐसे इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, जैसे यहां पर वजन रखा है, ठीक है, ऐसे इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, क्लियर, समझ गए, so it will oscillate to and fro, ऐसे ऐसे oscillate करेगा, ऐसे ऐसे, it will oscillate to and fro, oscillate करेगा तो इसका time period भी होगा, time taken to complete one cycle, it will take time taken to complete one cycle, एक cycle के लिए time taken is suppose t, time period t is time period, okay, and let us suppose m is mass of body, m is mass of body, to experimentally ye dekha gaya hai ki square of time period is proportional to mass, okay, this is given, you have been given, tumhe diya gaya hai ye time period, square of time period is proportional to mass, matlab हल्की सी चीज होगी तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी ऐसे वाइब्रेट करेगी, बहुत भारी सी चीज होगी तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, है कि नहीं, इमेजिन कर सकते हो, हल्की फुल्की चीज डालोगे तो बहुत तेजी से ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, बहुत भारी सी चीज डालोगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी,
सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर तुम दो अलग अलग मासेस ले लो, एक ले लो m1, एक ले लो m2, इफ यू टेक टू डिफरेंट मासेस m1 एंड m2, तो तुम लोग क्या देखोगे, यू विल फाइंड दैट पहले मास के लिए ये लिखोगे, फॉर फर्स्ट मास यू विल राइट दिस, एंड फॉर सेकंड मास यू विल राइट दिस, है कि नहीं? फॉर फर्स्ट मास यू विल राइट t1 प्रोपोर्शन t1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m1, एंड फॉर सेकंड मास यू विल राइट t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर इनका रेशियो ले ले, if we take ratio, then we will get t1 square by t2 square is equal to m1 by m2. Okay. Now if m1 is given, अगर m1 हमें पता है, if you know m1, then you can find m2 by finding the time period. So m2 can be found. M2 can be found by using time period T1 and T2। समझ गए? Very simple। तुम्हें ज़्यादा इसमें ज़्यादा complicated नहीं है। Simple ये formula तुम्हें याद रखना है। ऐसे हम दो masses को compare कर सकते हैं। अगर एक mass हमें पता है, then we can find second mass। अब देखो इसके अंदर किस चीज़ की importance है। इस चीज की इंपॉर्टेंस है कि रेजिस्टेंस टू मोशन, जो भारी है वो धीरे धीरे चलेगा, है कि नहीं, और जो हल्का है वो तेज तेज चलेगा। तो इनर्शिया को मेजर करने का तरीका है, इनर्शिया को कंपेयर किया हम लोगों ने, इसीलिए ये जो मास यहां हम निकाल रहे हैं ये कहलाएगा इनर्शियल मास। इस तरीके से जो मास निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड इनर्शियल मास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, क्योंकि इसके बाद नया टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंट वे ऑफ मेजरिंग मास। सो द न्यू टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, TATIO, ग्रेविटेशनल मास, ये होगा हमारा अगला टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ओके, ग्रेविटेशनल मास इसकी बात करते हैं। आप लोगों ने तराजू देखा, तराजू, तराजू ऐसा होता है, यहां पर होते हैं पलड़े, है ना, पैंस होते हैं, पैंस ऐसे पैंस होते हैं, यू हैव पैंस, यहां पर पैन होगा, ओके, यहां पर पॉइंटर होता है, देयर इज अ पॉइंटर, देयर इज अ पॉइंटर हियर, और यहां पकड़ते हैं हम लोग, है ना, क्लियर? दिस इज अ फिजिकल बैलेंस, this is a physical balance, clear? ये है एक physical balance, it will measure gravitational mass, ये gravitational mass को measure करता है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं जो picture भेजूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी picture होगी जो actual में हम लोग use करते हैं, जो physical balance हम लोग use करते हैं ना actual में, वो होगा वहाँ पे। ये तो जस्ट एक आइडिया है आपको समझाने के लिए। यहां पर हम लोग रखेंगे एक
स्टैंडर्ड मास, यहां पर हम स्टैंडर्ड मास रखते हैं ना ऐसे, दिस इज स्टैंडर्ड मास, इधर ऐसे दिस स्टैंडर्ड मास, और यहां पर हमें वो चीज रखनी होती है जिसको हम लोग नापना है। ओके, यहां पर कुछ भी है जिसका तुमको वजन निकालना है, जिसका मास तुम्हें निकालना है उसको यहां रखते हो। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड मास एंड दिस इज मास हुज वेट, हुज मास इज टू बी फाउंड, जिसका मास तुम्हें निकालना है उसको यहां रखेंगे, और यहां रखेंगे स्टैंडर्ड मास। स्टैंडर्ड मास समझते हो ना, जो लोहे का एक बाट होता है ना, बाट हिंदी में कहते हैं बाट, है ना, स्टैंडर्ड वेट्स कहते हैं उनको इंग्लिश में, स्टैंडर्ड वेट्स बाट, और यहां पर है जिसका मास हमें निकालना है। यहां पकड़ते हैं हम लोग, ऐसे पकड़ते हैं इसे, लाइक दिस, वी होल्ड इट लाइक दिस, क्लियर। और अगर ये ज्यादा होगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये नीचे हो जाएगा। नीचे होने मतलब क्या है, जो भारी होगा ना वो नीचे हो जाएगा, मतलब क्या है, अर्थ इज एक्सर्टिंग मोर फोर्स। अगर ये भारी होगा तो नीचे क्यों जाएगा, बिकॉज अर्थ इज एक्सर्टिंग मोर फोर्स, अर्थ ज्यादा फोर्स से नीचे खींच रही है। इफ दिस इज मोर देन दिस विल गो डाउन, इफ बोथ आर इक्वल देन इट विल स्टे इन इन लेवल, इफ बोथ आर इक्वल देन इट विल स्टे इन सेम लेवल, which means earth is exerting same force on both the pans. Remember we are measuring force of earth, है ना, we are measuring force of earth, इसीलिए इसको कहते हैं how to measure gravitational mass, इस तरीके से हम लोग नापेंगे gravitational mass, because gravity is playing some role in it, gravity कुछ काम कर रही है, gravity is playing an important role in determination of the unknown mass by comparing it with the standard mass. समझ गए? Actual में जो ये instrument होता ना, ये इसको glass के box में बंद रखते हैं ताकि हवा का भी असर ना पड़े। कई बार fan चल रहा होता ना, तो fan कभी इस पे हवा ज़्यादा लगेगी, कभी इस पे हवा ज़्यादा लगेगी, तो उससे balance बिगड़ जाएगा। ठीक है? Clear? तो ये कौन से principle के ऊपर based है? इसका principle क्या है? इसका प्रिंसिपल वही है जो एक सीसॉ का होता है। सीसॉ, सीसॉ देखा ना, एक फट्टा सा होता है, बीच में सपोर्ट होता है, फलक्रम होता है, एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां बैठता है, वो ऐसे ऐसे झूलते हैं, है ना, देखो ऐसे, इसको यहां बना लेते हैं, दिस इज अ सीसॉ, This is a seesaw. एक फट्टा है और बीच में एक ऐसे है ना, देखा होगा ना आप लोगों ने, झूला होगा सबने, यहां पर एक बच्चा बैठ जाता है, एक बच्चा यहां बैठ जाएगा, एक बच्चा यहां बैठ जाएगा, मान लो यहां मोटा सा बच्चा बैठ गया, एक मोटा सा बच्चा बैठ गया, ठीक है, यहां पर एक पतला बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक मोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो ये नीचे जाता है ना, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर ये मोटा बच्चा नजदीक आ जाए, अगर ये मोटा वाला बच्चा जो है ये नजदीक आ जाएगा, पास में आ जाएगा, तो ये हल्का वाला बच्चा भी इसको बैलेंस कर सकता है कि नहीं। अगर ये एग्जैक्टली बीचों बीच होगा, अगर ये एग्जैक्टली बीचों बीच होगा तो ये डोमिनेट करेगा, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां ले आऊं, इसको, इस सपोर्ट को मैं मोटे वाले बच्चे के पास ले आऊंगा, तो ये पतले वाला बच्चा भी इसको बैलेंस कर पाएगा। इसका मतलब अकेला मास काम नहीं कर रहा, ये वाली लेंथ भी काम कर रही है कि नहीं, ये वाली लेंथ भी काम कर रही है। सो मास एंड लेंथ बोथ आर प्लेइंग द रोल, ये छोटा मास बड़ी लेंथ, बड़ा मास छोटी लेंथ, रिमेंबर, देखो छोटा मास बड़ी लेंथ, बड़ा मास छोटी लेंथ, सेम बैलेंस हो जाएगा। सो हम कहेंगे स्मॉल मास बिग लेंथ इज इक्वल टू बिग मास एंड स्मॉल लेंथ, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना। अगर ये जो फैट बॉय है, ही सिट्स नियर द फलक्रम, ठीक है, ही सिट्स नियर द फलक्रम, देन द लाइटर बॉय, द बॉय हुज मास इज लेस, कैन बैलेंस हिम। तो क्लियर है, इसे कहते हैं
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. सो अवर फिजिकल बैलेंस इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, है कि नहीं? एक वजन यहां पर, एक वजन यहां पर, एक वजन यहां होता है, एक वजन यहां होता है. अगर दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की ना लेंथ इक्वल है. देखो यहां पर दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो दोनों बैलेंस कब होंगे? जब मास इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो दोनों का मास जब इक्वल होगा तभी ये सेंटर पे पॉइंटर आएगा, है कि नहीं? इसीलिए इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड अ फिजिकल बैलेंस मेजर ग्रेविटेशनल मास. आई बात समझ सभी को? सो फिजिकल बैलेंस विल मेजर ग्रेविटेशनल मास बिकॉज इट इज मेजरिंग द फोर्स विच अर्थ इज एक्सर्टिंग ऑन अ बॉडी. क्लियर? जो भारी होगा ना वही तो नीचे आएगा, इसमें तो अर्थ ज्यादा खींचेगी उसको, जो भारी होगा अर्थ उसको ज्यादा पुल करेगी. ये रिमेंबर, फ्री स्पेस हो ना, फ्री स्पेस जहां कोई ग्रेविटी ना हो, जहां पर कोई ग्रेविटी ना हो ना, वहां पर हल्का भी और भारी भी मीनिंगलेस है. हल्का और भारी कहने का मतलब यही होता है, हल्के पे अर्थ कम फोर्स लगाती है और भारी पे अर्थ ज्यादा फोर्स लगाती है. अगर अर्थ फोर्स ही ना लगाए तो हल्का और भारी सेम हो जाएंगे, समझ गए? इसीलिए दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल मास. ओके, नेक्स्ट विल फाइंड वेज टू मेजर वेट. अब हम देखेंगे वेट कैसे मेजर करते हैं. वेट, मास तो कर लिया ना हमने, मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना? मास और वेट सेम चीज नहीं है. वेट अभी होता है ना, वेट इज द फोर्स विच अर्थ पुल्स अ बॉडी. हम वहां फोर्स मेजर करते हैं. अब तुम होगे सर आपने यहां भी तो वही बात कर रहे थे, यहां भी हमने ग्रेविटी की बात करी, लेकिन हमने ग्रेविटी को कंपेयर किया, हमने यहां पर ग्रेविटी के फोर्स को कंपेयर किया. ठीक है, जब हम यहां बात कर रहे हैं तो वी आर कंपेयरिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन टू डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि ग्रेविटी तो सेम है ना, ग्रेविटी तो अर्थ की है, तो इक्वल, अगर मास इक्वल होंगे तभी तो इक्वल हो पाएंगे. लेकिन जब हम वेट की बात करेंगे तो वी विल प्योरली मेजर द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स अ बॉडी. सो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट. मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस. हम इसको मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस की मदद से. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? ऐसा होता है स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग होगा ऐसे ऐसे, देयर इज अ स्प्रिंग, देयर इज अ हुक, यहां पर हुक होता है और यहां पर होता है पॉइंटर, देयर इज अ पॉइंटर. ओके, देयर इज अ पॉइंटर हियर. ओके, यहां पर पॉइंटर है. ओके, देयर इज अ पॉइंटर हियर. ये पॉइंटर क्या करता है? ये बताएगा 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन. ओके, यहां पर तुम लगाओगे सम वेट, यहां पर हम कुछ वजन लगाएंगे ऐसे. तो अगर ज्यादा वेट लगाएंगे तो ज्यादा पॉइंटर नीचे आएगा, कम वेट लगाएंगे तो पॉइंटर कम नीचे आएगा, है कि नहीं? 1 न्यूटन मीन्स 1 kg, या यूं कह लो 0.1 kg. 2 न्यूटन मीन्स 0.2 kg. 3 न्यूटन मीन्स 0.3 kg. ठीक है, एक तरफ न्यूटन है, एक तरफ मास है. तो बेसिकली वी आर मेजरिंग वेट. तो अगर अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी तो ज्यादा वेट होगा. अगर इस स्प्रिंग बैलेंस को मैं ड्रॉप कर दूं ना, छोड़ दूं ऐसे, फ्री फॉल नीचे गिरता रहेगा, तो कितना ही वजन क्यों ना हो, इट विल शो 0. समझ गए? इन फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब
तुमने किसी ऊंची सी बिल्डिंग से छोड़ दिया इसको, किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये फ्री फॉल गिरेगा, नीचे गिरता रहेगा बड़े आराम से। देन द पॉइंटर विल शो जीरो वेट, समझ गए, द पॉइंटर जीरो शो करेगा। ओके तो अगर ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा वेट शो करेगा, तो द स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट। नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट साइज ऑफ, विल फाइंड द साइज ऑफ ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल, वी विल फाइंड साइज ऑफ ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल। एक ऑलिक एसिड होता है, उसके मॉलिक्यूल को हम लोग फाइंड करेंगे, उसके मॉलिक्यूल के साइज को फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब जो ऑलिक एसिड होता है ना, ऑलिक एसिड इज सम मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है उसको कहते हैं ऑलिक। थोड़ा बड़ा होने की वजह से उसकी हम साइज को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो मॉलिक्यूल का जो साइज है ना, एक्चुअल में हम लोग किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं निकाल पाते डायरेक्टली, तो हम माइक्रोस्कोप से नहीं निकाल पाएंगे, हम देख भी नहीं पाते आंखों से, और हम उसके साइज निकालने की बात करेंगे एक बहुत ईजी और बहुत ही इंटेलिजेंट टेक्निक से, ठीक है, जो बहुत ही ईजी है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी इंटेलिजेंट है। मतलब कि इसने बहुत दिमाग लगा के सोचा होगा कि ऐसे हम बड़े आराम से किसी चीज की थिकनेस, मॉलिक्यूल की थिकनेस निकाल सकते हैं। ओके कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड लेंगे, ऑलिक एसिड इज सम काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑलिक एसिड इज सम काइंड ऑफ ऑयल, इसका हम लोग 1 cc ले लेंगे, 1 cc मींस 1 cubic centimeter, दिस इज द वॉल्यूम, हम 1 cc 1 cubic centimeter ऑफ ऑयलिक एसिड विल टेक। हम क्या करेंगे, 1 cc ऑयलिक एसिड को हम लोग 25 cc ऑफ एल्कोहल, ठीक है, 25 cc ऑफ एल्कोहल में मिक्स कर देंगे। एल्कोहल इज वेरी गुड सॉल्वेंट, एल्कोहल सब चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, इसीलिए तो डॉक्टर्स कह रहे हैं आजकल हैंड रब है ना, सैनिटाइज करो। सैनिटाइज करने में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एल्कोहल होता है ना, 60-70% एल्कोहल होती है आपके सैनिटाइजर के अंदर, तो वो जो एल्कोहल है ना वो सब चीजों को डिसॉल्व कर सकती है, खासकर बैक्टीरिया वायरस के सेल वॉल्स को, बैक्टीरिया वायरस के सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगी तो क्या होगा, मर जाएगा वो, इसीलिए सैनिटाइज करने की बात करी जाती है। सो 25 cc ऑफ एल्कोहल में उसको हम लोग डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, 1 cc ऑफ ऑलिक एसिड इन 25 cc ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 1 cc ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन का 1 cc 1 cubic centimeter लेंगे और इसको दोबारा से 20 cc ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसको दोबारा से 20 cc ऑफ एल्कोहल में दोबारा से हम लोग डिसॉल्व कर देंगे, यानी डाइल्यूट कर देंगे, समझ गए, डाइल्यूट कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग वी आर डाइल्यूटिंग इट, वी आर डाइल्यूटिंग द ऑलिक एसिड, हम लोग तो डाइल्यूट कर रहे हैं। और रिमेंबर एल्कोहल इवेपोरेट्स वेरी इजीली, है ना, एल्कोहल बहुत जल्दी इवेपोरेट करती है ना, और जब आप सैनिटाइज करते हो, हैंड रब लगाते हो, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है, जब ठंडा हो लग फील होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, एल्कोहल इवेपोरेट कर रही है, तो एल्कोहल इवेपोरेट्स, क्लियर। और इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोबारा से 1 cc ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, इसमें से दोबारा से हम लोग 1 cc ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्यूशन को लेके हम लोग देयर इज वाटर के ऊपर हम एक लेयर बनाएंगे, पाउडर की लेयर,
दिस लेयर इज, हम लोग पाउडर है, एक स्पेशल पाउडर है, दैट पाउडर इज कॉल्ड लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग ये 1 cc ऑफ सॉल्यूशन डाल देंगे, समझ गए? लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर एक हम 1 cc ऑफ, दिस इज अवर सॉल्यूशन, दिस इज अवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से अल्कोहल क्या करेगी, इवेपोरेट कर जाएगी, सॉल्यूशन में से, इस वाले सॉल्यूशन में से अल्कोहल इवेपोरेट कर जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा ऑलिक एसिड, समझ गए, बचेगा क्या, ऑलिक एसिड, ठीक है। इसका जो ऊपर से देखेंगे ना, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ऊपर से देखेंगे तो दिस एरिया इज ए, एरिया इज इक्वल टू ए एंड इट्स थिकनेस इज टी, इस एरिया इज ए एंड थिकनेस इज टी, एरिया इज ए एंड थिकनेस इज टी, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, है कि नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर है ना ये, पाई आर स्क्वायर इज एरिया, सर्कुलर एरिया, एंड एच, एच इज हाइट, दिस इज सर्कुलर एरिया, दिस इज हाइट, अगर ये सर्कुलर एरिया है पाई आर स्क्वायर, दिस इज टी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू टी, पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया एंड टी इज थिकनेस, एरिया इंटू टी, ओके, and that is equal to volume of oleic acid in the solution, वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ पर 1 cc upon 25 cc है ना, यहाँ पर ये था ना 1 cc into 25 cc, समझ गए, यानी 1 part into 25 cc था, फिर इसको हमने इसमें dissolve कर दिया, तो we'll have 1/25 इंटू 1/20, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड प्रेजेंट इन 1 cc, समझ गए, और यहां पर हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन n drops एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज v, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, V is volume of each drop, n drops of oleic acid, and V is the volume of each drop. Area of the layer of oil, T is thickness. तो हम T निकाल सकते हैं. This thickness of the oil drop या layer, this thickness of layer will give the size of molecule. Roughly. ठीक है, रफली मालूम पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं, रफली हमें रफली आइडिया मिलेगा इससे, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, रफली मिलेगा। देखो फिर से एक बार, हमने क्या किया, हम लोगों ने 1 cc अल्कोहल, 1 cc ऑयल 25 cc ऑफ अल्कोहल में डिसॉल्व किया, उसका 1 cc हमने फिर से 20 cc ऑफ अल्कोहल में डिसॉल्व किया, उसकी हमने एंड ड्रॉप्स ली, एंड ड्रॉप्स पानी के ऊपर डाली, ठीक है, उसमें से अल्कोहल इवेपोरेट कर गया, बचा क्या, बचा केवल ऑयल, तो उसका एरिया है ए, थिकनेस है टी, एंड दैट इज इक्वल टू एन ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, है कि नहीं, एन ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, तो वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस टी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ ऑयल विल गिव द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर या नहीं, जस्ट टेल मी, ओके, तो इसका मैं भेजूंगा आप लोगों को पिक, यू कैन रीड इट एंड स्टडी इट, जब तक आपके आगे वाले यूनिट्स नहीं होती ना, तब तक ये वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब आपके आगे वाले चैप्टर्स हो जाएंगे तब टीचर्स इन पे कम ध्यान देगी, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ो, और हमें रफ आइडिया मिल रहा है कि हाउ कैन वी मेजर द स्मॉल थिकनेसेस, हाउ कैन वी मेजर वॉल्यूम्स एंड मास एंड टाइम्स एंड लेंथ, है ना, तो I will send you the study कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। Yes Anshul, any doubt? Sir, एक बार last वाला समझाओ। Okay, this one. A is the area of circular part of the film. This is the oil film. A is the area of the film. And T is thickness.
सो एरिया इनटू थिकनेस इज वॉल्यूम ऑफ ऑयल। एल्कोहल तो इवेपोरेट कर गई ना, लेकिन तुमने एन ड्रॉप्स लिए थे उस सॉल्यूशन के और एक ड्रॉप की वॉल्यूम थी वी, है कि नहीं? सो इसके अंदर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, इसके अंदर द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज 1/20 × 1/25। ये बता देखो, द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज 1/20 × 1/25। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द सॉल्यूशन। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म। फ्रॉम द थिकनेस वी विल गेट द रफ साइज और लेंथ ऑफ आवर ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक है, या फिर से बताऊं? जस्ट टेल मी इफ इट्स नॉट क्लियर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। गॉट इट? यस। ओके, यस सर। ठीक है, सो यस यस आई विल प्रोवाइड नोट्स, यस आई विल सेंड द पिक्स। ओके, फिलहाल तो मैं आपको पिक भेजूंगा, उसमें से आप लोग जो है मैं अंडरलाइन करके दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसमें से नोट कर लेना। क्लियर? एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल टेक ऑन अ न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज दिस मच ओनली एंड दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। केमिस्ट्री से डिफरेंट है, आप सोच रहे हो केमिस्ट्री में पढ़ा था सर ये हमने? नो, यहां पर हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस केमिस्ट्री से डिफरेंट है इसलिए, और वो इम्पॉर्टेंट है। दिस एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है पूरे 11th और 12th में काम आएगा, सभी कंपटीशन के अंदर इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, दिखने में बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी विल टेक इट ऑन टुमारो। बाय फॉर नाउ ऑल ऑफ यू।